मुरादाबाद हम 2019 में हारे थे, लेकिन 2024 में फिर से जीतने जा रहे हैं, बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। सपा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं जिसमें उनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत देश बनता हुआ आगे बढ़ रहा है और बसपा का कोई भविष्य नहीं है। इसे सबसे मैं अपील करता हूं कि 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए कमल के फूल को ओढ़ दें। हम भरोसा दिलाते हैं लोगों को कि जिस प्रकार से दुनिया का कोई विकसित देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, वैसे भारत भी बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश भी बढ़ेगा, मुरादाबाद भी बढ़ेगा। सम्मेलन हो रहे हैं उनका क्या मकसद? हमारा बूथ सबसे मजबूत, ये बूथ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। प्रबुद्ध सम्मेलन अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका सम्मेलन होता है, और वो पार्टी के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों को जनता का समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है। अभी विपक्ष का कोई नेता घर से नहीं निकला, हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर दिन रात परिश्रम कर रहा है। इसीलिए मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 2014 में हम 73 लोकसभा सीटें जीते थे, लेकिन 2024 में हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जीते। अरे कोई लड़ ले, उनके जीजा लड़ ले, उनकी दीदी लड़ ले, उनकी मम्मी लड़ ले, कमल ही खिलेगा। हाँ, जानकारी मिली है, हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका सरकार पालन कर। हम उनके भरोसे नहीं लड़ रहे हैं, हम भाजपा कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ रहे हैं, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के भरोसे लड़ रहे हैं, जनता के आशीर्वाद के भरोसे लड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के भरोसे लड़ रहे हैं। और हमारा कार्यकर्ता लड़ना भी जानता है, जीतना भी जानता है और जनता से आशीर्वाद लेना भी जानता है। वो घोषणा पत्र नहीं, वो झूठ का पुलिंदा है।